और लेकर आया हूँ हिंदी सिनेमा के ट्रेंड सेटिंग गाने और उनसे जुड़ी म्यूजिकल कहानियाँ मेरे इस अनोखे शो हैशटैग से, सिर्फ और सिर्फ 92.7। हिंदी फिल्मों ने हमें हर मौके, हर मूड, हर फिल्म, हर ओकेजन के गाने दिए, ब्रेकअप से लेकर पैचअप तक, बर्थडे पार्टी से लेकर कॉकटेल पार्टी तक, लाइफ से लेकर वाइफ तक, हर चीज पर गाने बन गए और ये गाने हम हर वक्त गुनगुनाते रहे। क्यों बने ये गाने इतने यादगार और इतने ट्रेंड सेटिंग, यही बताऊंगा मैं आपको अपने शो में जिसका नाम है हैशटैग सलीम। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेलिब्रेशन। पहले शो का एक छोटा सा ट्रेलर आपको सुनाता हूं। कैसे पंचम दा को था एक दिन आइसक्रीम खाना और इसी आइसक्रीम से बन गया एक हिट गाना। क्या आपने पहचाना? मैं बताता हूं ये कहानी, सुनिए। फिल्म जवानी दीवानी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश बहल और आरडी वर्मन जी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों अक्सर फुर्सत में तफरी पर निकल जाते थे। पंचम दा जितने गाने के शौकीन थे उतने ही खाने के। एक दिन रात को पंचम दा का मन हुआ कि आइसक्रीम खाई जाए, तो रमेश बहल के घर गए और उनसे कहा चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। दोनों निकल पड़े। गाड़ी लेकर थोड़ी दूर गए तो ट्रैफिक मिल गई। अब ट्रैफिक में कभी गाड़ी रुकती तो कभी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी, और आरडी बर्मन सिंह ट्रैफिक और आइसक्रीम का इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी बोरियत दूर करने के लिए गाड़ी के स्टेयरिंग पर उंगलियां चलते हुए गुनगुनाने लगे, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। ये लाइन सुनकर रमेश बहल ने कहा कि पंचम ये तो गाना बन सकता है। पंचम ने फिर लाइन फिर एक बार दोहराई और उसमें जोड़ दिया, नहीं नहीं अभी नहीं, मैं हूं बेकरार। फिर क्या था, आरडी को मिल गया एक खूबसूरत मुखड़ा। उन्होंने पूरे गाने की धुन गाड़ी में ही क्रिएट कर ली। लोग कहते हैं कि क्रिएटिव आदमी जब कुछ क्रिएशन करता है तो भूख प्यास सब कुछ भूल जाता है, मगर कुछ क्रिएटिव लोग ऐसे भी होते हैं जो इस भूख प्यास से भी गाना बना लेते हैं, जैसे पंचम दा। चलिए तो आइए सुनते हैं ये गाना, नहीं नहीं कभी नहीं, सुना है ना? ये नया नवेला शो जो सलीम मर्चेंट हमारे लिए लेकर आए हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार जरा जम के तालियां हो जाए। बिल्कुल लाइव आपने उस शो का मजा यहाँ पर लिया है, एंड कमाल, मतलब कमाल किया आपने। जिस तरह से कहानी बताई ऐसा लग रहा था कि वाकई में पंचम दा और बहल साहब डिस्कस कर रहे हैं, फिर वो स्टेयरिंग व्हील। यही रेडियो की खासियत भी होती है कि वो नजारे सब आंखों के सामने आ जाते हैं। तो जिन्होंने अब तक अपने कमाल के गानों पर हमें नचाया है, झुमाया है, धिरकाया है, अब वो अपने बातों से, किस्सों से और अपनी आवाज से हमें मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। सलीम साहब 92.7 बिग एफएम पर लेकर आए हैं ये नया शो जिसका नाम है हैशटैग सलीम। और मुंबई में आप ये शो रात 8 बजे सुन पाएंगे, दिल्ली में ये शो आपके लिए सुबह 10 बजे, और रेस्ट ऑफ इंडिया में पूरे भारत वर्ष में शाम 6 बजे ये शो आप सुन पाएंगे। और न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुबई में भी ये शो सुना जाने वाला है। तो एक बार जरा जम के तालियां हो जाए। कैसा है ये रेडियो का एक्सपीरियंस आपका, मैं जानना चाहूंगा। ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है और मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी खुशी हो रही है मुझे। पहली बात तो म्यूज़िक का मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ और म्यूज़िक मेरे लिए एक इबादत है, और ये शो के ज़रिए मुझे बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज भी प्राप्त हो रही है। कैसे ये हिट गाने बने और कैसे कुछ कुछ हिट गानों के पीछे कुछ कमाल की जो कहानियां हैं, किस्से, उसको जानकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। कुछ कुछ स्टोरीज तो ऐसी है कि जो कुछ गाने मेरे इतने दिल के करीब है, ना केवल मेरे, पूरी दुनिया के। हम सब हिंदी फिल्म के गानों के दीवाने हैं, खासकर जो गोल्डन ईरा ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक रहा है। बिल्कुल,
जो कमाल के हमारे कंपोजर्स रहे हैं, आर डी बर्मन जी, लक्ष्मीकांत त्यागी, लाल शंकर जयकिशन, कल्याण जी, अमृत जी, मदन मोहन साहब, जयदेव जी, और इतने अमेजिंग गाने बनाए हैं, और क्या स्टोरीज रही है इस गानों के पीछे, कैसे रिकॉर्डिंग्स हुई है, कुछ कुछ अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, एब्सोल्युटली कैसे अरेंजमेंट्स कूल उस जमाने में जहाँ पर रिकॉर्डिंग डबिंग की फैसिलिटी नहीं थी, वैसे कैसे कभी कभार सिंगर्स आवाज खराब होने के बावजूद रिहर्सल करने करने करते 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 गाना डब हुआ, और कुछ कुछ चीजें जैसे किशोर कुमार जी का पागलपन, कुछ अतरंगी कहानियां जी, वो कैसे वो आज भी रिकॉर्डिंग में वो मौजूद है, कुछ कुछ अतरंगी कहानियां, कुछ किस्से हैं जी, तो ये सब चीजें मुझे जानकर और ये दुनिया को बताकर इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितना मजा आ रहा है ये करके। और इसके अलावा ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है कि मेरे पर्सनल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जैसे विजुषा साहब हैं जो कल्याण जी भाई के बेटे हैं, और उन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया है, जैसे फिल्म कुर्बानी में, जैसे फिल्म डॉन में उन्होंने एक गान, जो 7 साल के थे वो जी, और 7 years सॉरी वो 7वीं क्लास में थे, 7th क्लास में थे जब उन्होंने डॉन का वो कीबोर्ड का वो सोलो बजाया था, ये मेरा दिल प्यार है करवाना में। तो ऐसे कुछ किस्से हैं जिसमें जो मैं म्यूजिशियंस और कंपोजर्स के साथ रूबरू हो सकता हूँ, उनके साथ में उनको शो पर ले आ सकता हूँ, और उनसे हम सुन सकते हैं कि असली में क्या वो स्टोरी थी, कैसे वो गाने रिकॉर्ड हुए। बहुत सारे ऐसे अमेजिंग म्यूजिशियंस हैं, जैसे फ्रैंको आज है जो आर डी बर्मन के ड्रमर रह चुके हैं, विजुषा जी है जी, और ऐसे बहुत सारे रमेश अय्यर साहब है गिटार बजाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियंस जो आज भी हैं हमारे साथ और इंडस्ट्री में बजाते हैं, कुछ कुछ इंडस्ट्री कुछ कुछ म्यूजिक कुछ कुछ रिटायर हो गए, कुछ कुछ नहीं बजा रहे इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री में, लेकिन वो उनकी यादें उनके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हैं, तो मैं उनको इन्वाइट करूँगा। कुछ कुछ बहुत अमेजिंग सिंगर्स हैं हमारे साथ, जैसे कि उषा उत्तुप जी हैं जिन्होंने कमाल का काम किया है, बहुत अमेजिंग आइकॉनिक सॉन्ग रिकॉर्ड किए उन्होंने पंचकुला और बहुत सारे कंपोजर्स के साथ, तो उनको हम बुलाएंगे हमारे शो पे और उनके साथ बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या असल में हुआ था इस रिकॉर्डिंग्स के वक्त और कैसे ये आइकॉनिक ट्रेंडसेटिंग गाने बने। क्या बात है, वंडरफुल। और जब इन गानों से जुड़े हुए किस्से हम सुनते हैं तो दोबारा जब गानों को सुना जाता है तो वो सारे विजुअल्स भी आंखों के सामने आ जाते हैं, एंड रेडियो यही कमाल करता है, सलीम साहब वही कमाल करने वाले हैं हैशटैग सलीम के साथ। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने इस शो को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, मैं चाहता हूँ कि हम आपका वेलकम करें, फॉर्मल वेलकम करें। हमारे नेशनल प्रोग्रामिंग हेड हैं अतुल राजदान साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बढ़िया सा बुके देकर और आप सभी की जोरदार तालियों के साथ सलीम साहब का हम वेलकम करते हैं बिग एफएम के परिवार में। सो मच, थैंक यू, दिस इज अ बिग बिग ऑनर एंड प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कोई एक ऐसा गाना, मतलब ऑफ कोर्स अब आप एज अ आरजे शो कर रहे हैं तो रेडियो पर वो गाना उसकी जुड़ी हुई कोई याद, जब जब अगर आपको सुनाई दे तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है आज भी, अरे क्या गाना यार, यही तो वो गाना है। तो उस दौर की अगर बात करें तो ऐसा कोई गाना जो आप बताना चाहेंगे? वेल, एक गाना जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत फनी भी लगा जी, वो है जय जय शिवशंकर। ओके, और वो गाना जब मुझे पता लगा कि क्या हुआ था उस रिकॉर्डिंग पर, मैं छोटे से एक स्टोरी बताता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओपी नैयर साहब का गाना था और नैयर साहब बहुत मेहनत करके गाना बनाए थे, और सॉरी आर डी बर्मन साहब का गाना था, मैं कंफ्यूज हो गया दूसरी स्टोरी से, आर डी बर्मन साहब का गाना था और उन्होंने बहुत ही मेहनत करके गाना बनाया, लेकिन जो इसके गाने के प्रोड्यूसर थे जे ओम प्रकाश जी, उनको ये गाना इतना पसंद नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग चल रही थी और पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग के दरमियान उनको मजा नहीं आ रहा था, पैसे खर्च हो रहे थे, पैसे खर्च मीन्स उस जमाने में 50,000 रुपये खर्च हो रहे थे इस गाने के, बहुत ज़्यादा, तो 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते जे ओ प्रकाश जी के लिए, बहुत ज़्यादा थे, तो वो बार बार पंचम को ताने मार रहे थे कि 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए, गाने में मज़ा नहीं आ रहा है, गाने में कुछ इंजॉय नहीं कर रहे हो। तो देखिए उस जमाने में रिकॉर्डिंग्स में एक्टर्स भी शामिल होते हैं, तो जाहिर है राजेश खन्ना साहब भी थे और किशोरदा गाना गा रहे थे ऑफकोर्स, तो राजेश खन्ना जी जब
जावेश खन्ना जी ने जब ये सुना तो उनको बुरा लगे कि जीव प्रकाश जी कह रहे कि यार ये 50,000 खर्चा हो गया, 50,000, तो उनको बुरा लगे। उन्होंने आरडी बर्मन का चेहरा लेना, आरडी बर्मन का चेहरा उतरा हुआ, तो उन्होंने किशोरदा के कान में जाके उनसे कुछ कहा। किशोरदा हंसने लगे, हंसते रहे और फिर पंचमदा को कहा कि चलिए रिकॉर्डिंग शुरू। अब रिकॉर्डिंग के वक्त जो हुआ वाकई वो इतना मजेदार किस्सा है। आखिर में गाने चले, मुखड़ा हुआ, म्यूजिक आए, अंतरे चले, अंतरे के बाद आखिर में जब गाना कोड़ा, जब उसका क्लाइमैक्स होता है, तब किशोरदा अचानक चिल्लाने लगे माइक पे, जोर से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 खर्च हो गए हैं, कैसे बजा रहे हो आप, जरा मजे से बजाओ। इस तरह से उन्होंने रिकॉर्डिंग में कह दिया और वो दोस्तों रिकॉर्डिंग में आज भी है। सिर्फ 50,000 वाला पार्ट काट दिया, नहीं 50,000 भी है उसमें, 50,000 भी है। अगर आप जय जय शिव शंकर गाना सुनेंगे आखिर का, उसमें किशोरदा 50,000 खर्च हो गए, ईमानदारी से बजाओ, इस तरह से उन्होंने कहा है, तो आज भी वो उनकी आवाज रिकॉर्डिंग में पहुंच गई। क्या तो ये सब फनी जो चीजें हैं। और देखिए बहुत सभी को लग रहा था कि ये गाना कभी हिट होगा नहीं, लेकिन ये सुपर डुपर हिट हो गया है। वंडरफुल। और ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकी चीजें हैं, जैसे कि जय जय श्री शंकर जो गाना है वो ऑब्वियसली शंकर भगवान की जय जयकार है जी, जी। और कैसे पंचम गाने, ये गाने में वॉइस के अलावा अगर आप गौर से सुनेंगे तो डमरू का साउंड बड़ा इम्पोर्टेंट है उस गाने में। तो डमरू ऑफकोर्स शिव जी का इंस्ट्रूमेंट था, तो कैसे पंचमदा ने कुछ कुछ चीजें इतनी ध्यान से और इतने सोच से इस गाने को, हालांकि गाने में बहुत कुछ और तामझाम है, राइट, लेकिन डमरू का साउंड बड़ा प्रोमिनेंट है। एब्सोल्युटली। तो ये थी, ये अगर आप एज अ म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिक लवर सोचेंगे तो गौर करेंगे कि कितना, कितनी सोच और कितनी मेहनत और कितने प्यार से उस जमाने में म्यूजिक बनता है। एब्सोल्युटली। इसीलिए हम कहते हैं कि गाने जो हिट थे हिट रहेंगे और ये डेफिनेटली हिट रहेंगे। अतुल साहब, आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नमस्कार। बिग एफएम का हमेशा से हिस्ट्री रहा है कि हमने यूनिक कंटेंट डेवलप किया है एंड उसके साथ एक सेलिब्रिटी क्वेश्चन को अटैच किया है। अनु कपूर जी का शो है हमारे पास, सुहाना सफर सबसे बड़ा शो है हमारे लिए, अनु मलिक जी का शो है हमारे पास। तो इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने एक नया स्टेप लिया है एक यूनिक ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक के बारे में, एंड आई एम ऑनर्ड टू हैव सलीम ऑन बोर्ड विद बिग एफएम। हमारी ये कोशिश रहेगी कि लिसनर्स को एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस दिया जाए, वो जो ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग्स हैं उसके पीछे की क्या कहानियाँ हैं, कैसे म्यूजिक चेंज हुआ ओवर द ईयर्स, कैसे साउंड्स चेंज हुए ओवर द ईयर्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अभी इन्होंने डमरू के बारे में बताया, ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आइकॉनिक हो गए उन गानों की वजह से। सो उन सब चीज़ों के बारे में सलीम जी हमें बताएंगे। सो आई एम एब्सोल्युटली ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन बोर्ड विद बिग एफएम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली। लवली। तो चलिए सेलिब्रेशंस को आगे बढ़ाते हैं और हैशटैग सलीम इस शो के लॉन्च को सेलिब्रेट करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से केक के साथ। सो कैन यू हैव द केक प्लीज।